एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर ट्राउट से मिलना है। आप डॉक्टर ऋषिकेश है ना? जी। मिस्टर ट्रॉन्ट आप ही का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। डॉक्टर ऋषिकेश आए हैं सर। ओके सर। सर बिल्कुल ठीक है। ओके सर। आइए सर, मिस्टर ट्रॉन्ट का कैबिन इस तरफ है। थैंक्स। आइए डॉक्टर ऋषिकेश, आप तैयार हैं? मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूं। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम लोग भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं आपकी बेटी की आत्मा से बात करने के लिए। मैं अपनी बच्ची को देख पाऊंगा ना? शायद। ऋषि, तुम्हारा मोबाइल नहीं चल रहा, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, कहाँ गए थे तुम? वो वापस आ गई है। कौन? श्वेता वापस आ गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? हम आने नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने बात की है उससे, वापस आ गई है। ऋषि, मुझे श्वेता की बहुत याद आती है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? श्वेता मर चुकी है ऋषि। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैंने उससे बात की है। देखो आज तुम्हें क्या भेजा? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या भेजा?
हमारी बेटी मर चुकी है ऋषि, वो कैसे कुछ भेज सकती है? मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं दिखाता हूँ उसने क्या भेजा है। श्वेता बहुत रो रही थी। ऋषि प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें दिमाग को कुछ हो तो नहीं गया? वो तुम्हें भी बहुत याद कर रही थी, तुम्हारा नाम बार बार ले रही थी वो। ऋषि प्लीज संभालो, अपने आप को संभालो। मरने के बाद हमारी बेटी अपना हाथ कैसे भेज सकती है? तुम एक साइंटिस्ट हो, तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अब साइंस ही फैसला करेगी कि हाथ मेरी बेटी का है या नहीं। कैसे? साइंस का क्या लेना देना इस पागलपन से? ये कहाँ चली गई? तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें याद है लगभग एक साल हमने अपनी बेटी के हाथों और उसके पैरों के निशान लिए थे, याद है तुम्हें? हाँ लिया था, मगर उससे क्या होगा? ये जो हाथ है ना, इसपे उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स। इस हाथ पे? हाँ, इस हाथ पे। देखो, देखो। इस नकली हाथ पे मेरी बेटी की उंगलियों के निशान है। हाँ। देखा? मैं उसे ऑफिस ले जाके इसे मिलाऊंगा। मगर ये तो पुलिस का काम है। नहीं, पुलिस का ना मतलब, उन्होंने पुलिस को बताने के लिए मना किया था। किसने मना किया? वही जिसने मुझे श्वेता से मिलाया था। लेकिन वो स्क्रैपबुक कहाँ है जिसमें हमने श्वेता के हाथों के प्रिंट्स लिए थे? कहाँ चले गए वो? उस दिन हमने श्वेता की शूटिंग की थी, याद है? जब वो पूरे घर में भाग रही थी, कुछ याद आया?
ये रही वो सीडी, अभी चला कर देखता हूं। और उस हाथ के फिंगरप्रिंट्स को मैं मिलाऊंगा। रिनी को लगता है कि मेरा दिमाग हिल गया है। अगर इस हाथ के उंगलियों के निशान मेरी बेटी की उंगलियों के निशान से मिल जाएंगे तो उसे भी विश्वास हो जाएगा। अब तो मालिनी को भी मान नहीं पड़ेगा, हमारी बेटी श्वेता वापस आने वाली। डॉक्टर ऋषिकेश, आप अंदर क्या कर रहे थे? वो मैं प्लूटोनियम प्रोसेसिंग की जो नई रिपोर्ट आई है वही पढ़ रहा था। प्लूटोनियम? इस बॉक्स में क्या है? प्लूटोनियम? मेरा प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है डॉक्टर रेवा, सबको पता है, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। ये टॉप सीक्रेट तुम मुझे मत बताना डॉक्टर ऋषिकेश। मालूम है ना तुम्हें कि मैं यहां किस लिए आई? मैं किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ। दिखाओ कि इस बॉक्स में क्या है। मैंने कहा ना नहीं दिखा सकता। देखो, मैं काफी दिन से तुम्हें वॉच कर रही हूँ, तुम जरूर किसी गलत काम में लगे। अगर मैंने एक बार तुम्हारी रिपोर्ट कर दी ना तो लाइफ पर बात हो जाएगी तुम्हारी। दिखाओ कि इस बॉक्स में क्या है। तुम एक साइंटिस्ट से इस तरह बात नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे ऐसी धमकी मत देना डॉक्टर रेवा, नहीं तो मैं नहीं तो क्या? हाँ, कुछ महीने पहले हमारी बेटी की मौत हो गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन ऋषि उसे भुला नहीं पाए। वो बहुत परेशान रहते। मैम प्लीज, हम समझ सकते हैं। पुनर्जन्म की किताबें पढ़ते रहते, उसके बारे में बातें करते रहते, पर आज तो क्या हुआ? आज वो कहीं से एक हाथ उठा लाए, एक वैक्स का बना हुआ हाथ। वो कह रहे थे कि हमारी बेटी का हाथ है, हमारी बेटी ने भेजा है। किसने दिया वो हाथ? ठीक से कह नहीं रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि वो हाथ पे जो उंगलियों के निशान है, वो फिंगरप्रिंट्स हमारी बेटी के ही है। आपकी बेटी के मरने के बाद बेटी ने अपना हाथ दिया है? हाँ। और वो फिंगरप्रिंट्स आपकी बेटी के हैं? हाँ। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने एक वीडियो लिया था हमारी बेटी का, उसी से मिल गए हमारी बेटी के हाथ का निशान। है कहाँ आपके? वो ऑफिस गए हैं, न्यूक्लियर लैब में। न्यूक्लियर लैब? वहाँ तो एटम बम की रिसर्च होगी। हाँ,
मेरे पति ही करते हैं। कहीं ये बड़ा प्लान तो नहीं है दुश्मनों का? वो हाथ कहाँ है? साथ में ले गए हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच करने। हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या सेंट्रल न्यूक्लियर लेबोरेटरी में मर्डर हुआ है? एसिड डाल के? आइए सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ये जरा, ये देखिए सर। फिर वही, क्या करूं, कैसे देखूंगी ये लाश? देखो, आज मैं तुम्हें लाश को देखने के लिए नहीं कहूंगा। लाश की हालत वाकई बहुत खराब है। सर, डॉक्टर रेवा को दिल्ली से भेजा गया था। अच्छा, क्यों? खबर मिली थी कि लैब में दुश्मन का एजेंट घुस आया है, उसी का पता लगाने आई थी। सर, हाँ। इतना सारा एसिड डाला है, ये एकदम अंदर तक जल गई है खोपड़ी। एसिड से खून क्या क्या? नहीं दिया, ये कोई दूसरा चक्कर है। गोली लगने में आदमी 10 सेकंड में मर सकता है, लेकिन एसिड से जल के मरने में तो काफी टाइम लगेगा। और अगर डॉक्टर रेवा चिल्लाती तो इतनी बड़ी लैब में इतने सारे लोग हैं, कोई तो आके बचा लेता। अभिजीत खूनी ने डॉक्टर रेवा का पहले खून कर दिया और फिर उसे एसिड से जला दिया। लेकिन सर, इस लैब के बाहर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, बाहर का कोई आदमी अंदर तो आ नहीं सकता। ये खून किसी अंदर के आदमी ने किया है। सर, हाँ? सर, कोई एक घंटा पहले जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर रेवा और ऋषिकेश किसी बारे में बहस कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही डॉक्टर ऋषिकेश दूसरी तरफ चले गए और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर ऋषिकेश? ये डॉक्टर ऋषिकेश वही है ना जिसकी बीवी ब्यूरो में आई थी? यस सर। हाँ सर, वो कह भी रही थी कि डॉक्टर ऋषिकेश को कुछ हो गया है, उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, और ये खून कोई ऐसे आदमी ही कर सकता है। आप फिर से आ गए, अच्छा किया। मैं जानता था आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप ठीक कह रहे थे, वो हाथ मेरी बेटी का ही है। उसे कितना दर्द हुआ होगा। डॉक्टर ऋषिकेश, हमसे जो हो सकता था हमने किया। हाँ, आपकी बेटी ने फिर हमसे बात की। क्या क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? वो आपसे मिलना चाहती है, वो वहां अकेले नहीं रह सकती। तो अब मुझे वहां भेज दो, मैं जाऊंगा वहां अपनी बेटी से मिलने। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आ सकती है यहाँ आपसे मिलने। वाकई? हाँ। बस मुझे मेरी बेटी से मिला दो, मैं उसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए? कुछ भी। मालिनी, मैंने देख लिया, इस हाथों की उंगलियों के निशान हमारी बेटी के ही है। क्या? हाँ, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। हाँ, अब चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? श्वेता से मिलने। राउट ने वादा किया है कि वो आज हमें अपनी श्वेता से मिलवाएगा। चलो। ऋषि, तुम साइंटिस्ट होकर पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तुम्हें उल्लू बना रहा है, कौन है ये आदमी? एक आदमी हमारी मदद कर रहा है, हमें हमारी बच्ची से मिलाने की कोशिश कर रहा है, और तुम कह रही हो कि वो मुझे उल्लू बना रहा है? ऋषि, तुम ये तुम्हारा कोट कैसे जला? ये लैब में से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें एसिड गिर गया था। मर्डर हुआ? मैं फ्रेश होके आता हूँ।
ऋषि एक मिनट। ऋषि तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे लैब में क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। आप लोग अभी ऋषिकेश घर में हैं? हाँ, लेकिन बात क्या है? आपको तो मालूम है ना कि उसके लैब में एक मर्डर हुआ। हाँ। ऐसा लगता है ये मर्डर आपके पति ने किया है। एसिड से उस औरत का चेहरा जला दिया है। हाँ, आपने बताया था शायद। क्या हुआ? वो ऋषि का लैब कोट वो भी जला है एसिड से। जला हुआ है? वो है कहाँ? जरा बुलाओ उसे। ऋषि, ऋषि देखो तुमसे कोई मिलने आए। ऋषि क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? वो ऋषि यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ वो। लगता है भाग गया। सर मतलब फोन इसी ने किया है। ड्रोन साहब तो भाग गए साहब, अब तो यहाँ कोई नहीं है। भाग गए? कब आए? कल। कल? अच्छा दरवाजा खोलो, देखते क्या है अंदर, जल्दी खोलो। भाग गए? इतनी जल्दी ऑफिस खाली करके भाग गए? हाँ वही तो। ये फर्नीचर वगैरह छोड़ गए हैं क्या? ये ऑफिस तो किराए पे मिलता है साहब, फर्नीचर के साथ ही। वो लोग आए अपना ऑफिस चालू किए और कल अचानक अपने आप यहाँ से चले गए। उनका तो एक टेम्पू पर भी सामान नहीं था। यहाँ काम क्या होता था कुछ मालूम है तुम्हें? पता नहीं साहब, मैं तो कभी अंदर नहीं आता। सर हा? कोई एड्रेस, फोन नंबर, निशानी कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। यहाँ से भाग गए मतलब उसे समझ में आ गया था कि सीआईडी यहाँ पहुँच नहीं। मुझे तो लगता है ये ऑफिस डॉक्टर ऋषिकेश को फंसाने के लिए ही शुरू किया गया था। जैसे ऋषिकेश फंस गया, काम खत्म, ऑफिस बंद। फिर भी सर उसे पकड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कहीं भी जाके छुप गया हो। हाँ जाएगा भी कहाँ। दिव्याना डॉक्टर रेवा का कंप्यूटर चेक करो, देखो शायद उसने कुछ ऐसी बात लिखी हो जो और कोई नहीं जानता। देखो जल्दी। यस सर। देखिए सर, इस कंप्यूटर में देश के टॉप सीक्रेट्स की फाइल है। अगर इसे हाथ लाया तो हमें दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली को मैं जवाब दूंगा। मैं कहूंगा उनसे कि मैंने कंप्यूटर खुलवाया डॉक्टर रेवा का, समझे? देश के दुश्मन को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर आप आत्महत्या करने का फैसला कर ही चुके तो कीजिए। अभिजीत पूरी लैब चेक करो, डॉक्टर ऋषिकेश का कंप्यूटर भी अच्छी तरह से चेक करो। चलिए दिखाइए किधर है। ओह माय गॉड सर, ये देखिए, डॉक्टर रेवा ने एक लेटर लिखा था कि डॉक्टर ऋषिकेश यहाँ के न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट्स चुरा कर दूसरे देश के एजेंट्स को बेच रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर रेवा मारी गई, इसीलिए डॉक्टर ऋषिकेश ने रेवा का खून कर दिया। विवेक सारे डॉस चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। इसका मतलब है डॉक्टर रेवा को ऋषिकेश के बारे में सब कुछ पता चल गया था। ये देखो इसमें लिखा है कि डॉक्टर ऋषिकेश यहां कब आया था और डॉक्टर ऋषिकेश यहां से कब गया था। इसका मतलब है डॉक्टर रेवा ने ऋषिकेश पर अपनी निगाहें लगाकर रखी थी। आइए सर, यह डॉक्टर ऋषिका के बिन फिंगरप्रिंट लग रहा है। लेकिन न्यूक्लियर लैब में इसका क्या काम? मालिनी ने कहा था ना कि डॉक्टर ऋषिकेश अपनी बेटी श्वेता के उंगलियों के निशान मैच करने के लिए यहाँ पे आए थे। हाथों की उंगलियों के निशान श्वेता के उंगलियों के निशान से मैच हो गए? फिंगरप्रिंट मैच्ड? मतलब वो हाथ श्वेता का है।
नहीं, मैं नहीं मानता ये पुनर्जन्म राजा। ऐसा कभी होता है कि आत्मा अपना हाथ भेजता है? डॉक्टर ऋषिकेश इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अगर वो कह रहे हैं कि ये हाथ उनके बेटी का है तो है। आप एक साइंटिस्ट होकर इस तरह की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ऋषिकेश मुझसे बड़ा साइंटिस्ट है और ऊपर वाले के आगे साइंस नहीं चलता। आज आपको एक नकली हाथ बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं आसानी से? नहीं, मैं कैसे बना सकता? तो फिर आत्मा कहां से बना सकते? और फिर डॉक्टर ऋषिकेश को ये आत्मा क्यों दिखाई दे रही है? क्या मालूम, डॉक्टर ऋषिकेश फंस गया है। वो अपने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट्स किसी और को बेच रहा है। उसने एक आदमी का खून भी किया है। उसके घर पे जाकर अच्छी तरह से छानबीन करो, देखो वो ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स किसे बेच रहा है। शायद कमरे में अंधेरा करके रखा हो, वैसे तो चारों तरफ काला कपड़ा लगा हुआ ही था। धागे भी कैसे हाथ को खींच निकाला और फिर ऋषिकेश को फंसा लिया। मैं ऋषिकेश से बार बार कह रही थी कि हमारी बेटी मर चुकी है, वो अपना हाथ कैसे भेज सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जो उंगलियों के निशान है वो श्वेता के ही है। हाँ सर, हम एक बार ये मान सकते हैं कि जादू वादू करके वो हाथ कहीं से निकाला होगा, पर उस हाथ पे जो उंगलियों के निशान है वो बिल्कुल इनके बेटी के फिंगरप्रिंट से मैच कैसे हो सकता है? सर, नकली हाथ पे असली फिंगरप्रिंट्स। अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से वो असली फिंगरप्रिंट उठाए होंगे और फिर नकली हाथ की उंगलियों पर किसी तरह चिपका दिए। माफ कीजिए मैम, लेकिन मुझे आपसे ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं आपकी बेटी की मौत कब हुई थी? करीब 6 महीने पहले कैंसर से। 6 महीने पहले कैंसर से? तो इसका मतलब है उन्होंने 6 महीने पहले श्वेता की उंगलियों के निशान लिए होंगे। पर सर, निशान लिए कहां से? और वो लोग जब फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे तब शायद श्वेता होश में नहीं होगी। श्वेता को इलाज के लिए कौन से हॉस्पिटल में रखा गया? नहीं, श्वेता को हॉस्पिटल से डर लगता था, इसलिए ज्यादातर इलाज घर पे ही हुआ है। नर्स यहीं थी और डॉक्टर भी यहीं आते। तो फिर श्वेता को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहे होंगे यहाँ पर? हाँ, सभी आते थे, उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, ऋषि के ऑफिस के लोग, हमारे पड़ोसी वगैरह। सर, इतने सारे लोग मिलने आते थे, इन्हीं में से किसी ने फिंगरप्रिंट्स ले लिए होंगे अकेले में। ये श्वेता से अकेले में ज्यादातर कौन लोग मिलते थे? मुझे इतना याद तो नहीं, लेकिन हाँ, श्वेता के पास एक डायरी थी, जो भी उससे मिलने आते थे वो डायरी में अपने गुड विशेस लिख देते थे। ज्यादातर लोग यही लिखते कि भगवान श्वेता को जल्दी ठीक कर दे। वो डायरी है अभी भी? सही है, देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग्स हैं। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, बोले मासूम। एक मिनट देवयाना, पेज जाओ पीछे पलटना। ये हैंडराइटिंग कहीं देखी है सर? कहाँ पे? वहाँ न्यूक्लियर लैब में, हमें जो नोट मिला है डॉक्टर एवा के कंप्यूटर के पास में, उसी पे देखिए सर। वो नोट का दिखाओ मुझे। Yes. Great work, वे। Great work, बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी की है, एक ही आदमी ने ये दोनों चीजें लिखी है। मतलब डॉक्टर रेवा ने दोनों जगह पे लिखी? मगर सर, डॉक्टर रेवा पिछले हफ्ते यहाँ ही है और ये डायरी 6 महीने पहले लिखी गई है। ये बात तो है, 6 महीने पहले डॉक्टर रेवा इस डायरी में कैसे लिख सकती थी? विवेक, दिल्ली के न्यूक्लियर सेंटर में फोन करो और उनसे कहो कि वो हमें डॉक्टर रेवा का हैंडराइटिंग का सैंपल जल्दी से जल्दी भेज दें।
सर। हाँ। नहीं, ये दोनों हैंडराइटिंग रेवा के इस हैंडराइटिंग के सैंपल से नहीं मिलती। ये डायरी और ये नोट डॉक्टर रेवा ने नहीं लिखी। इसका मतलब है वो लाश डॉक्टर रेवा की नहीं है। नहीं सर, ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है। आपको पता कैसे चला कि ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है? सर, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला है। जब भी कोई नया साइंटिस्ट वहां लैब में आता है तो उसका डीएनए का एक सैंपल पहले से ही लेके रख लेते हैं। वो सैंपल दिल्ली से हमारे पास आया तो इनके डीएनए सैंपल से इसे मिला के देखा। जी सर, उसी से हमें पता चला कि ये कोई और नहीं डॉक्टर रेवा ही है। मगर सर, डॉक्टर रेवा तो एक हफ्ते पहले आई है दिल्ली से। जो हैंडराइटिंग हमें लैब में से मिली है वो किसी और की इनकी नहीं है। सर, वो औरत जिसने डॉक्टर ऋषिकेश को धमकी दी थी लैब में, वही औरत 6 महीने पहले डॉक्टर ऋषिकेश के घर गई थी। वहां पर वो उसकी बेटी से मिली, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और निकल गई। और जाते जाते उसने वो भी तो लिखा था बच्ची की डायरी में जो हमें मिला था। हाँ, अब ये बात साफ है कि असली डॉक्टर रेवा लैब में कभी आई ही नहीं। सर, ये लैब में कभी आई नहीं तो इसका खून हुआ कैसे? शायद खून पहले हो चुका था। हाँ सर, लाश काफी पुरानी है। डॉक्टर रेवा की जगह कोई और औरत डॉक्टर रेवा बन के लैब में घुस गई। हाँ, वो औरत एक टेररिस्ट है और इस ट्राउट से मिली हुई है। और उसी ने बनाया होगा सर वो नकली हाथ। एक लाश को उठाकर न्यूक्लियर लैब में लेके आना कोई आसान काम नहीं है। जरूर इसमें कोई और भी मिला हुआ होगा जो उस नकली डॉक्टर एवा की मदद कर रहा है। ढूंढो उसे। अभी हैं कितने लोग? 6 साइंटिस्ट अभी भी है लैब में। सर, 5 तो बच गए हैं सर, अभी निकलने चाहिए। वो जो आदमी आ रहा है उसका नाम कवरेज है, और उसका राइट में है उसका नाम नितिन है। दोनों एक ही रेडिएशन सेंटर में काम करते हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। विवेक, तुम एक काम करो, तुम इन लोगों का पीछा करो, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। चलो, सुरेश भी आ गया। हाँ देवियन, ये जो आदमी ब्लू शर्ट में आ रहा है उस पर नजर रखो, ठीक है? अब बचे हैं 3 लोग। मैं इन दोनों के पीछे जाता हूँ, अब सिर्फ एक आदमी बचा है। 6 बजे तक तो वो भी बाहर आना चाहिए। पेट्रोल 978, पासवर्ड भी कैचून के दिया है। यस, अब सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। क्या हो रहा है डॉक्टर ऋषिकेश के ऑफिस में? तुम क्या कर रहे हो? मैं वो। और तुम्हें ये पासवर्ड कहां से मिला? सर, वो डॉक्टर ऋषिकेश ने मुझे खुद दिया था सर। अच्छा, डॉक्टर ऋषिकेश ने तुम्हें पासवर्ड दिया और कहा सबसे चुप के मेरे कंप्यूटर से ये फाइल चुरा लो? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है वो तो, मुझे भी उनसे मिलना है। कहाँ है वो? सर, वो तो मिस्टर ट्रॉ सर, मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर कहाँ है। बहुत जल्दी भूल गए, अभी तो याद आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, तुम मिल गए हो, तुमसे सच निकलवा लूंगा। चलो सीआईडी ब्यूरो चलो। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। अरे अरे, क्या हो रहा है? कौन है वहाँ पर? सब काम हो गया है, ये सारे के सारे सीक्रेट दे रहा है एटम बम के। अब समझो एटम बम हमारे पास
आया ही आया। यहां क्यों चले आए? ये लोग मेरा प्लान बर्बाद करके छोड़ेंगे। डॉक्टर ऋषि, आप अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करिए। श्वेता से मिलने का टाइम हो रहा है, मैं अभी आया। सर, सर बहुत गड़बड़ हुई, पता नहीं सर कैसे हो गया। अबे चुप, तू यहाँ कर क्या रहा है? तुझे मना किया था यहाँ नहीं आने का, समझ में नहीं आती? मैंने तो इससे पहले ही कहा था, लेकिन ये है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। अब आप देखना, इसकी वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने प्लान की पड़ी है, जान बचाने की सोचिए सर। अबे तू यहाँ आया क्यों? वो सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन मेरे पीछे पड़ गया। एसीपी प्रद्युमन? हाँ, एक बार वो पीछे पड़ जाए ना, फिर छोड़ता। अबे चुप, एसीपी प्रद्युमन को यहाँ तक आने का रास्ता किसने बताया? तूने, तूने? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ चुपके से आया हूँ। अरे अरे, ये धुआं कहाँ से आया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी आवाज कभी धुआं। पहचाना मुझे? ये तो मेरी स्टाइल है। ये मेरी कॉपी कौन कर रहा है? ये कॉपी नहीं है, ये असली शो है, असली। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अपने कान पकड़, कान पकड़। नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता। सीआईडी के सामने सरेंडर हो जाओ। नहीं करूंगा, और तेरे शो की तो मैं। मामला गड़बड़ होता जा रहा है। भागो भागो भागो। ओ, 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 अगर सीआईडी के हाथ लग गए तो हो गया काम। निकल लो चुपके से। ये मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग गए? रुको, सबको छोड़ के अकेले कहाँ भागी जा रही हो? अच्छे बच्चे ज्यादा तंग नहीं करते। चलो चल चल। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे तुम मालूम है? ऐसे ढोंगी के चक्कर में फंसे कैसे? पर ये आदमी तो मेरी मदद कर रहा था, ये तो मुझे मेरी बेटी से मिलवाने वाला था। कुछ नहीं करने वाला था ये। अरे ये कोई भगवान है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता? गद्दार बनाने वाला था आपको ये। न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था आपसे इसे। हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या करने वाला था? लेकिन मैं इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सीक्रेट कभी नहीं बताता, कभी नहीं। पर मेरी बेटी की आवाज, वो कहां से आई? डॉक्टर ऋषिकेश, कोई आवाज वाज नहीं थी, सब कुछ नकली था। ये तो कोई एक्ट्रेस तुम्हारी बेटी श्वेता का आवाज निकाल रही थी। अरे जरा होश में आओ, तुम जैसे लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमारे देश को बचाना चाहिए। तुम जैसे साइंटिस्टों की हमारे देश को जरूरत है। ले चलो इसे। नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।